हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू फाइनेंशियल वीडियो में। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको LIC से होम लोन चाहिए वो भी 2023 में, तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। साथ ही साथ जानेंगे कि अगर आपका बैड सिविल स्कोर मतलब कि बैड क्रेडिट स्कोर होगा तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला, और बात करने वाले हैं कि अगर आप 20 लाख तक का होम लोन लेंगे वो भी LIC बैंक में तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। साथ ही साथ जानेंगे कि आपको क्या कितनी मंथली किस्त जाएगी और आपका टोटल ब्याज कितना लगने वाला है। तो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, और एलिजिबिलिटी का और डॉक्यूमेंट सारी चीजें हम लोग जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे यहाँ सिंपल हम लोग को पहले चलते हैं EMI कैलकुलेटर पर, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप लोग हर एक लोन की EMI कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी लोन की EMI कैलकुलेट करनी है, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, तो आप लोग हर एक लोन की EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग को होम लोन चाहिए तो जैसे भाई का क्वेश्चन आया हुआ था 20 लाख का, आपको जितने लाख का लोन चाहिए, जितने लाख का आपको एलिजिबल हो लोन, उस हिसाब से अपना लोन अमाउंट डाल देना है यहाँ पे आने के बाद। तो इसकी लिंक की साइड आपको इस EMI कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यार, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना, और आलतू फालतू कोई EMI कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, क्योंकि यार आप लोग आलतू फालतू EMI कैलकुलेटर यूज करते हैं फिर आप लोग कमेंट करते हैं भैया कि मेरी किस्त इतनी दिखा रहा है, उस इतनी दिखा रहा है। तो आप लोग को मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, जिसमें आपका इंटरफेस भी बहुत ज्यादा सिंपल है और मतलब कि यूजर मैनुअल आप लोग को यहाँ पे क्लियर सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। सीधे आप लोग को होम लोन का अमाउंट डालना है 20 लाख का। अब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है हम लोग को तो पता नहीं है, अब तो चलते हैं LIC बैंक के ऑफिशियल पेज पर, मतलब कि इनके ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं LIC HFL होम लोन इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे अभी नीचे आएगा इंटरेस्ट रेट, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग सिविल स्कोर मतलब आपके सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, इसके बिहाफ पर आपको इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 800 से अबव है या 800 है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 8.65% लगेगा, और सैलाइड और सेल्फ एम्प्लॉयड में आप लोग को अगर आप सैलाइड है और सैलाइड प्रोफेशनल है तो आपको 15 करोड़ तक का लोन यहाँ से मिल सकता है। तो अगर आपको सिविल स्कोर अपना नहीं पता तो सिविल स्कोर आप लोग जा करके चेक कर लीजिएगा जा करके, कि उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे आप लोग को चेक करना, मतलब कि वहां पे जाकर के अपना चेक कर लीजिएगा, जो भी आपका सिविल स्कोर हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से देख लीजिएगा। तो मैं आपको हर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बाद में दिखा दूंगा, अभी हम लोग पहले अपना EMI कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 8.65% एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा वो अपना सिविल स्कोर चेक करके ही डालिएगा, ठीक है। हम लोग एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 8.65%। अब 20 लाख का लोन अगर आप 8.65% के हिसाब से 20 सालों के लिए लेते हैं तो मेरे भाई आपकी जो मंथली EMI जाएगी वो 17,547 रुपये जाएगी, जो आपकी मंथली EMI जाएगी वो 17,547 रुपये जाएगी, और जो आपको टोटल ब्याज देना पड़ेगा वो 22,11,233 रुपये देना पड़ेगा, जो कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज़्यादा है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने 20 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट लिया, 20 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट आप LIC बैंक से लेते हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस से आप लोग 20 लाख का लोन लेते हैं, तब आपको जो टोटल ब्याज 20 सालों में लग रहा है 22,11,233 रुपये लग रहा है। आप लोग ये सर्कल वाले ग्राफ से क्लियर कर सकते हैं, आपको 52% टोटल ब्याज लग रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग जो बैंक से लेते हैं वो आपका 47%, ये ग्रीन वाला जो एरिया है ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये आपका टोटल ब्याज लग रहा है 20 सालों में, ठीक है, वो भी 8.65% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर देख सकते हैं कि अब मैं बात करें कि टोटल पेमेंट आपको कितनी देनी पड़ेगी, टोटल पेमेंट आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके देनी पड़ेगी 42,11,233 रुपये आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपको अब मैं बता दूं कि एक चारा ये होता है कि आप लोग हर महीने देखो EMI कैसे कम करोगे, या तो देखो साल कम कर दो, क्योंकि तो अपने प्रिंसिपल अमाउंट से ही प्रिंसिपल अमाउंट के आपने जैसे 20 लाख का लोन लिया, 20 लाख से ज्यादा आपको तो ब्याज देना पड़ रहा, तो ये यार चीज खराब है। इसके लिए हम लोग करते हैं कि हम लोग 18 सालों के थोड़ा मतलब कि साल घटाते जाते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग करते हैं इस EMI कैलकुलेटर पे आकर के। आप लोग जैसे अंदाजे पे कह लेते हैं कि हम लोग 20 लाख का लोन 20 सालों के लिए लेंगे, 20 लाख का लोन 30 सालों के लिए ले लेंगे, लेकिन आपको कितना घाटा होता है, कितना फायदा होता है, वो आपको इस EMI कैलकुलेटर से कन्फर्म होगा। आप लोग के अंदाजे से कोई चीज नहीं चलती आज के समय में। तो अगर हम 18 साल देखो कर दिया, 2 साल कम किया, तो हम लोग की मंथली किस्त थोड़ी सी बढ़ी। देखो 20 साल में हम लोग की 17,547 जा रही थी, 18 साल किया तो 18,294, मतलब 700 रुपए कुछ बढ़ी। तो अब तब हम लोग को टोटल ब्याज देख सकते हैं 19,51,000, मतलब कि अपने लोन जितना 20 लाख का लोन ले रहे थे उससे कम हम लोग को ब्याज देना पड़ रहा है। अब यही अमाउंट हम 15 सालों के लिए कर दे रहे हैं, सीधे घटाए दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपकी मंथली किस्त ज्यादा नहीं बढ़ी, 19,000 रुपये बढ़ी, और आपको टोटल जो ब्याज देना पड़ रहा है वो 15,76,787 रुपये देना पड़ रहा है। तो कुछ ज्यादा नहीं देना पड़ रहा है,
इसी तरीके से आप लोग अपने लोन की प्लानिंग किया करिए, जैसे 10 साल कर दीजिए, मतलब कि हर तरीके से आप लोग चेक कर लिया करिए कि कितने सालों में कितना लाख का अगर लोन ले रहे हैं तो वो मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी, तो हर तरीके से चेक करने के बाद ही लोन अप्लाई करने जाया करिए। तो इसकी लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं इसका डिटेल ऑप्शन दे दूँ कि यहाँ पे आपको शेड्यूल सेविंग ईएमआई, जैसे 2023 चल रहा है जनवरी का, तो हमने यहाँ पे 2023 जनवरी का सिलेक्ट कर लिया, तो आगे 10 सालों के लिए अगर हम लोन ले रहे हैं तो 10 सालों का यहाँ पे आपको चार्ट पूरा देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं ये यहाँ पे अगर 2023 में मैं क्लिक करता हूँ तो पूरे जनवरी फरवरी मार्च मतलब कि हर महीने का आपको बता देगा डेटा, कितना प्रिंसिपल अमाउंट, कितना इंटरेस्ट रेट, तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो सिंपल, और प्रिंट करवा करके अपने डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। देखो जैसे सिविल स्कोर अगर आपका 800 होगा तो आपको 8.65% लगेगा, अगर आपका सिविल स्कोर 750 से लेकर के 790 होगा तो 750 से लेकर के 799 तक होगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.95% तक का लगेगा, 8.75% तक का। ठीक है, अब इससे 600 से 69% के बीच में तो आप लोग देख सकते हैं कितना लोन एलिजिबल हो रहा है, कितने आपको वो कितना आपको इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इस यहाँ से क्लियर मैंने कर दी हैं, जो भी आपका सिविल स्कोर हो सिविल स्कोर चेक करने के बाद अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। जो आगे की बात है कि अगर आपकी 90% ऑफ द लोन अमाउंट आपकी मैकर अगर प्रॉपर्टी वैल्यू आपकी 90% और देखो 90% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू पर आपको 30 लाख तक का लोन मिलेगा, अगर 80% प्रॉपर्टी वैल्यू पर आपको 30 से 75 लाख तक का लोन मिलेगा, और 75% की प्रॉपर्टी वैल्यू पर आपको 75 लाख तक का लोन मिलेगा। मैक्सिमम प्रीपेमेंट मतलब कि सैलाइड के लिए 30 सालों तक का आप लोग को समय दिया जाता है, जो टेन्योर होता है वो 30 सालों तक का आप लोग दिया जाता है, जैसे आप मैक्सिमम 30 सालों तक ही लोन ले सकते हैं, ज्यादा जैसे आप लोग अंदाजे से कुछ भी बोले दे रहे हो, लेकिन जितने साल के लिए ये लोग एलिजिबल करते हैं उतने साल के लिए ही आप लोग लोन लेंगे। और सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो आप लोग 25 सालों तक ही लोन ले सकते हैं। अब बात करी जाए कि ये लोग डॉक्यूमेंट्स क्या मांगते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मेन है, तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड फॉर NRI पासवर्ड और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, मतलब कि आप जहाँ रहते हैं उसका प्रूफ आप लोग को देना होगा। तो ये चार चीज़ें आप लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप लोग को प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आप लोग को देनी पड़ेगी KYC डॉक्यूमेंट्स के लिए। इनकम डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग क्या दे सकते हैं, देखो इन चारों में से कोई एक चीज़ आप लोग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन चारों में से अगर चारों चीज़ मांगेंगे तो आप चारों चीज़ देंगे। इनकम डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग को सैलरी स्लिप और फॉर्म 60 देना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 से 12 मंथ का आपको 1 साल से 6 महीने तक का आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, लास्ट 3 ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद फाइनेंशियल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए। जो सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो अपना बिजनेस स्वयं करते हैं या किसान इंसान है वो सेल्फ एम्प्लॉयड के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो प्रूफ ऑफ ओवरसी प्रॉपर्टी आपको देनी पड़ेगी, इन केस द फ्लैट मतलब कि जो भी आप लोग का प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे किसके नाम पे है, किसके मतलब इसका मतलब कि इसके गारंटर कौन लगे थे, सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर करनी पड़ेंगी। ठीक है, नहीं तो आपके पास कोई भी LIC का एजेंट हो उससे आप लोग कन्फर्म कर सकते हैं, आपके आसपास कोई भी आता हो LIC का एजेंट उससे कन्फर्म कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग ऑनलाइन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो वो मुझे कमेंट करिएगा, मैं डेडिकेटेड आपको बता दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहाँ पर जाकर के मुझे फॉलो कर दीजिए, जो भी आप लोग को प्रॉब्लम्स हो वहाँ पर आप लोग मुझसे डिटेल में पूछेंगे तो डिटेल में हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा, आप लोग को इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा डिटेल से यहाँ से आप लोग को चीज़ें क्लियर होती हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ होम लोन LIC में आप लोग कौन कौन से लोन अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, फिर काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल्स में बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।